आपने एक बार वो वीडियो हम दिखाए अपने दर्शकों को जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये जो आदिवासी व्यक्ति हैं इनके पांव पखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। अब मेरा सवाल अभय दुबे जी आपसे है, इसमें ना तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से अपहरण कर लिया गया है उस व्यक्ति के चेहरे से किसी भी तरह का शिकन, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता है और कम से कम किसी के चेहरे पर उस तरह के भाव भी कोई कैमरा या कैमरामैन पैदा नहीं कर सकता, ना ही कोई राजनीतिज्ञ। यहां पर उनके पांव पखाड़ रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं और उनको मिठाई खिलाकर उनसे माफी भी मांग रहे हैं। ये अलग बात है कि इसको लेकर पक्ष विपक्ष की राजनीति चल रही है कि ये नाटक करने की क्या जरूरत थी जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या इनका राजनीतिक अपहरण किया गया है अभय दुबे जी जो आरोप लगा रहे हैं? और मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह का कोई भी जेस्चर दिखाया गया हो। किसी भी इस तरह के मामले अलग अलग राज्यों से सामने आते हैं, राजस्थान का भी आंकड़ा मेरे पास है, सिरोही से लेकर अलवर, चुरू से लेकर पाली तक कई इस तरह के मामले सामने आ गए हैं, लेकिन आप ये आरोप लगाएंगे कि मुख्यमंत्री के कहने पर अपहरण कर लिया गया इस युवक का, परिवार वाले रो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सर आज के जमाने में कहां, अब तो तस्वीरें आ गई हैं अभय दुबे जी। चित्रा जी हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। यही मुख्यमंत्री जी थे मंदसौर में जब किसानों के सीने में गोलियां मार दी तो उपवास पर बैठ गए, पीड़ितों को बुलाया और इन्होंने उपवास के पीड़ितों से जूस पिलवाया और कहा न्याय करूंगा। अभी जब उनके आयोग ने रिपोर्ट ली तो हाई कोर्ट पहुंच गए कि वो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकते। मैं मेरे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, बताइए सुदामा के साथ इतनी अमानवीय घटना हुई थी क्या द्वारिका में आने के पहले, जो आप उसे सुदामा और खुद को श्री कृष्ण निरूपित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अरे जरा भी आपकी सत्ता में शर्म शेष है तो क्षमा मांगिए समूचे मध्य प्रदेश से। एक के बाद एक आदिवासी समुदाय के साथ घटना होती है, आप अन्यायियों के साथ खड़े होते हैं। उसके पिता का वीडियो है, ये जो आरोपी है उसके पिता कह रहे हैं, चित्रा जी वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा 4 साल से विधायक प्रतिनिधि और आज भी है, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये सारे सोशल मीडिया पर है। इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो विश्वास सर एक्शन तो हो गया है। अभय दुबे जी आगे क्या होना चाहिए? अभय दुबे जी एक्शन हो गया, एनएसए लग गया, SC ST एक्ट लग गया, उसके घर पर बुलडोजर चल गया, आगे क्या होना चाहिए? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्या हो उसके साथ? देखिए आदिवासियों के साथ लगातार मध्य प्रदेश में अन्याय हो रहा है। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, क्या पिछले 7-8 दिन पुरानी घटना जो क्षेत्र में बताया जा रहा है नहीं है? क्यों कार्रवाई 2 दिन पहले होती है कि जब वीडियो वायरल हो जाए, जब जनता के संज्ञान में आ जाए और उसके बाद आपने उस पीड़ित को ही गायब कर दिया। वो सीधे यहाँ दर्शन देता है मुख्यमंत्री के निवास में और ये पूछती है उनकी पत्नी पीड़िता की मुख्यमंत्री मेरा पति लौटा दीजिए। बोलिए विश्वास सारंग जी, इस सवाल का जवाब महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन राजस्थान के भी आंकड़े दिखा रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश ST मामले में जिस तरह का व्यवहार आदिवासियों के साथ होता है, एक विश्वास सारंग जी आ रही हूँ मैं आपके पास, नहीं ये मैं बीजेपी और कांग्रेस में फंसने नहीं दूंगी इस पूरे मामले को। महत्वपूर्ण मामला ये है और सवाल ये है कि ST के मामलों में आप एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं, 3 उंगलियां खुद पर आपको इंगित करती हैं। राजस्थान के आंकड़े भी एक बार देख लेते हैं, जरा दिखाइए SC ST के केस के मामले में राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान भी चुनावी राज्य है जहां पर मध्य प्रदेश के साथ ही चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ भी चुनावी राज्य है जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही चुनाव होना है। अभय दुबे जी आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन विश्वास सारंग जी मेरा सीधा से सवाल है, देखिए सर ये पैर छू लेना, किसी आदिवासी युवक को भगवान बना लेना, ये टीवी कैमरे पर बड़ा अच्छा लगता है और देख के बड़ी खुशी भी होती है कि CM ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो आदिवासियों से जो इस तरह के अपराध के मामले हैं उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों है, ये सवाल तो आप लोगों से पूछा जाएगा ना, और उसको लेकर आप कांग्रेस पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? उसके बाद रशीद जी और अशोक जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, विश्वास सारंग जी इसको रोक पाने में आपकी सरकार कामयाब क्यों नहीं हो पाई? सीधा देखिए देखिए चित्रा जी देखिए हमने इसको कांग्रेस और भाजपा ना किया ना हम करना चाहते हैं, ये शुरुआत कांग्रेस ने की। देखिए दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि हमने इस घटना की के खिलाफ एकदम कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की और हमने प्रायश्चित भी किया। अब कांग्रेस इस प्रायश्चित को समझ नहीं पाएगी, जो इटली की संस्कृति में रह रही है वो पांव पखारने की का सम्मान कैसे कर सकती है? इटली की संस्कृति में रहने वाले कांग्रेसी लोग प्रायश्चित को कैसे समझेंगे? देखिए ये ना इनकी संस्कृति है ना इनके संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बंगले पर उड़ाया और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मुख्यमंत्री जी वो वीडियो शेयर कर रहे हैं और अभय दुबे जी कह रहे हैं कि उसका किडनैप हो गया,
बड़ा आश्चर्य वाली बात है। और फिर मैं कहना चाहता हूं इस पर, ये आपने प्रश्न से नहीं पूछा कि यह जब वीडियो बन रहा था उस महिला का, उस समय विक्रांत भूरिया कांग्रेस के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर क्या कर रहे थे? क्या ये स्क्रिप्टेड था? क्या ये बयान स्क्रिप्टेड था? क्या ये वीडियो जानबूझ के कांग्रेस ने बनाकर वायरल किया? देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या कांग्रेस बहुत सारे प्रश्न हैं चित्रा जी। अभी तो इस घटना की अभय जी चित्रा जी अभी तो बहुत मुद्दा यह है कि ये घटना है कि अभी नहीं मालूम, इसके भी जांच का विषय है, आज भी बैठे ये भी जांच का विषय है। इस पर अभय जी नहीं बोलेंगे, बहुत साहित्यिक बातें कर रहे हैं। अरे बताइए ना, बताइए कमलनाथ के समय 9 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2019 को हलीरामपुर में चार आदिवासियों पर पुलिस ने अत्याचार किया, कमलनाथ ने कार्रवाई की, शहरी आदिवासियों का आम है मुआवजा बंद कर दिया, आपने उस पर कोई संज्ञान लिया? सर ये तू तू मैं नहीं करते हैं, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा दायरे को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आदिवासी युवकों से अगर इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो ये घिनौना कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और पूरे मामले में एक नजीर बने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, ताकि दोबारा इस तरह की तस्वीर और ऐसी हिमाकत करने की कोशिश किसी की ओर से भी नहीं की जाए जो कितना भी रसूखदार हो। के पास आते हुए मुख्यमंत्री ने जो कुछ किया डैमेज कंट्रोल के लिए, आपको क्या इससे लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल हो गया या फिर वास्तव में जो किए जाने की जरूरत है उससे अभी कोसों दूर है सीएम? देखिए चित्रा जी, मैं ये जो घटना है, पहले तो ये जो घटना है बहुत ही जो मानवीयता को श्रम और पार्टियों को मैं उनकी राजनीति की छोड़ता हूं, उसका अपना पक्ष है। भारतीय जनता जो आदिवासी का पांव धोने का काम कर रहे हैं, उनको ये जरूरत पड़ क्यों रही है जी? क्या केवल आदिवासी के पांव पड़ने से, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने मध्य प्रदेश के रखूंगा, मैं केवल आदिवासी को फोकस करूंगा, मैं आपके आचार पे फोकस करूंगा, आप फोकस करिए। मध्य प्रदेश में 20,407 गांव ऐसे हैं जिसमें आदिवासियों की आबादी 25% से ज्यादा है जी। करीब 1,21,00,000 आदिवासी हैं इन गांव में रहते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि इन गांवों में जो है कुल गांव ऐसे हैं कि जिनमें पीएचसी केवल 581 गांव में है, सब सेंटर 2021 गांव में है, सॉरी 581, और सीएचसी 729 गांव में है। टोटल मिला के करीब 3200 गांव हैं जिसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 100% गांव इलेक्ट्रीफाई हो गए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये ऑन रिकॉर्ड सरकार केंद्रीय सरकार की वेबसाइट पर है, उनके डाटा है, मेरे डाटा नहीं है, कि 19,807 गांव ऐसे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है 20,407 में से। इस जो आदिवासी गांव है उनमें से केवल 13,943 गांव ऐसे हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट विकास की बातें हो गई ना, सब अभी अत्याचार पर रहते हैं, अत्याचार के मामलों में क्या पोजीशन है मध्य प्रदेश की, अगर आप उसके बारे में बता पाए। हाँ, विकास के बारे में हम बात कर लेंगे, अभी तो एक आदिवासी युवक के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा मैं दिखा रही हूँ। एससी एसटी के केस में देखिए 2003 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, 5,507 था, 2021 का आंकड़ा 7,214 का है। वही एसटी के केस में अगर हम बात करें, 2003 का आंकड़ा 1,779 था, जो अब बढ़कर 2021 में 2,627 हो गया है मध्य प्रदेश में। ये एससी एसटी का केस है, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान के भी आंकड़े दिखा दें, क्योंकि दोनों ही राज्यों की सरकारों से यह सवाल पूछा जाना जरूरी है। राजस्थान में एससी एसटी के केस देखिए, 2018 में एससी के केस 4,607 थे, जो 2021 में बढ़कर 7,524 हो गए हैं। एसटी का मामला 1,094 था 2018 में, तो वो बढ़कर 2021 में 2,121 हो गया है। ये सिर्फ 3 साल का फर्क दिखा रहे हैं, दोनों ही राज्यों का हमने दिखाया, दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी लगातार आंकड़ा बढ़ा है और राजस्थान में भी। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अंतर यह है कि यहाँ पर 3 साल का राजस्थान का है, जबकि मध्य प्रदेश का 18 साल का है। अशोक भारती जी अपनी बात को पूरी कीजिए, आदिवासियों पर अत्याचार रुकना चाहिए, उसको लेकर क्या सरकार गंभीर दिखती है या नहीं दिखती है? सवाल सीधा सा है कि क्योंकि जो क्षेत्र, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों की घटनाएं कम इसलिए नजर आ रही अत्याचार की, क्योंकि पुलिस प्रशासन आदिवासियों पे होने वाले अत्याचार की रिपोर्ट
जो है बिल्कुल दर्ज नहीं कर पाया, और आदिवासी इतने कमजोर है मध्य प्रदेश में कि वो अपनी रिपोर्ट लिखाने जाते नहीं है, उनके बीच में सामाजिक ढांचे नहीं है जो कि उनके अत्याचार की आवाज को उठा सके। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये घटना हुई, अगर आदिवासियों में सामाजिक नेतृत्व होता तो पूरा मध्य प्रदेश को आदिवासी लोग बंद कर देते, क्योंकि 22% आबादी मध्य प्रदेश में आदिवासी की है। तो ये जो अत्याचार की घटनाएं बहुत कम करके मध्य प्रदेश इस बात के लिए नोटोरियस है, खासतौर पे सीधी, सतना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, अनूपशहर, ये सारे के सारे जिले ऐसे हैं जहां आदिवासियों पर अत्याचार की कोई रिपोर्टें लिखी नहीं जाती। मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार को और इन इलाकों में आदिवासियों के जो नुमाइंदे हैं, थाने हो, जिला प्रशासन हो, उनकी जो नुमाइंदगी है नगण्य है। तो मध्य प्रदेश सरकार अगर आदिवासियों का भला करना चाहती है तो इन जिलों के अमले में आदिवासियों की अब अनुपात बढ़ाना चाहिए, उनके क्लर्कों की आवाज बढ़ाना चाहिए, एसआई की संख्या बढ़ानी चाहिए। अब आप आगे क्लर्क वगैरह पे उधर नहीं जाते हैं, अभी मेन मुद्दे पर रहते हैं। अत्याचार का मामला है और पेशाब किए जाने का ऐसा मामला है जिसको देखकर तस्वीरें इतनी घिनौनी है, जिसके बारे में जितनी निंदा की जाए उतना कम है।